Hello friends, I Vaibhav welcomes you in Horizon Academy. Today's point of discussion is cost of quality. In previous videos I have already uploaded difference between inspection and quality control, cost of design, cost of conformance and cost of performance. So this video contains in two language, one is in English and another one is Hindi. So first we switch to the Hindi, after that we move towards in English language. So chaliye start karte video. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो पहले क्या कर लेते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है. टू कैरी आउट द कंपनी क्वालिटी फंक्शंस, ठीक है, टू कैरी आउट द कंपनी क्वालिटी फंक्शंस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. उसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जो कॉस्ट कस्टमर के नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जो इनकर होती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं. उसके बाद अभी इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखते हैं. उसमें क्या है कि मार्केट रिसर्च कॉस्ट. अभी मार्केट रिसर्च कॉस्ट में क्या जाता है कि कस्टमर के आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि कस्टमर के नीड्स क्या है, ठीक है, वो जो कॉस्ट जाएगी उसमें क्या होता है मार्केट रिसर्च कॉस्ट में जाती है. बाद में फिर प्रोडक्ट R&D कॉस्ट. अभी कस्टमर के कुछ नीड्स है कंसिडर कर लिए, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि पहले जो कार्स थी उनमें क्या होता, फ्रंट जो आपका डैशबोर्ड रहता वहीं पे एसी रहता था. लेकिन जब कंपनी ने मार्केट रिसर्च किया कि उनको पता चला कि जो पीछे जो बैक सीट पे जो लोग बैठते हैं उनके एसी की जो एयर है वो वहाँ तक नहीं जाती है या वो वहाँ तक ठंडा नहीं करती है. तो अभी ये कस्टमर की नीड थी कि उनको यहाँ पे पता चला कि पीछे के साइड में डक चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट का R&D किया. प्रोडक्ट का R&D करके जो कस्टमर का नीड था वो क्या किया, वो प्रोडक्ट में उतारने की उन्होंने कोशिश की. बाद में अभी ये जो कंसेप्ट था उनको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन में उतारना पड़ेगा, ठीक है, कि डिज़ाइन में उतारना पड़ेगा. वो जो जाएगा वो डिज़ाइन कॉस्ट में जाएगा. फिर आपको जब डिज़ाइन बनाओगे आप, वो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के हिसाब से बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन होगा जो नीड है कस्टमर की वो आपको स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्पेसिफिकेशन मतलब उसका डायमेंशंस क्या रहेंगे, टॉलरेंस क्या रहेगा, वो सब. फिर उसके बाद अभी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई स्पेसिफिकेशन, बाद में फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की. आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी वो जो चीज़ बनानी है आपको, वो चीज़ किस मशीन पे बनेगी, कौन सा टूल यूज़ होगा, लाइन का लेआउट क्या होगा, ये सारा चीज़ क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में जाता है. फिर उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड क्वालिटी फेल्यूर. उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस एंड फील्ड सर्विस एंड सच अदर एट्रीब्यूट टू मेंटेन योर सिस्टम. ये सारा क्या था, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में इंक्लूड होता है. अभी फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जो क्वालिटी कंट्रोल है, इन्होंने क्या किया, ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसको चार पार्ट में उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है. कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, कॉस्ट ऑफ अप्राइजल, कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्यूर एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेल्यूर. अभी ये जो चार पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये एक एक वीडियो में आगे के वे में करते रहूँगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. Now move towards in English language. Today's point of discussion is cost of quality. To carry out the company quality functions or to meet the needs of the customer, okay, that cost is called as cost of quality. In this cost of quality, includes market research cost. Market research cost means what, company have to do market survey. मार्केट सर्वे, तो व्हाट इज़ द नीड टू नो द व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर. आफ्टर नोइंग द नीड ऑफ द कस्टमर कंपनी हैव टू डू प्रोडक्ट आर एंड डी टू डेवलप ए सच अ प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई और विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर. आफ्टर डिजाइनिंग, आफ्टर डेवलप ए कंसेप्ट इन R&D, आफ्टर दैट डेवलप ए कंसेप्ट इन R&D, यू हैव टू मेक अ डिज़ाइन विच सेटिस्फाई और विल विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर. इन डिज़ाइन देर इज़ ए स्पेसिफिकेशन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट. एंड एट द सेकंड फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग. इन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग पीपल हैव टू डिसाइड विच मशीन दे हैव टू यूज, विच कटिंग टूल दे हैव टू यूज. ऑल दिस कॉस्ट इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग. After that cost of inspection and test. Once the product is designed, after that it comes to manufacturing planning. When manufacturing planning people have done their work, after that there is a production going on. After in production they have to cost of inspection, okay, and test. After that cost of defect prevention, if there is any defect occurring at the line, they have to do something for defect prevention, that including cost of defect prevention. After that scrap, if any job gets scrap,
that cost including this cost of quality. After that, cost of quality assurance and field service. This all including cost of quality. American Society of Quality Controls divide this cost of quality in four main categories. One is cost of prevention, cost is cost of appraisal, cost of internal failure, and cost of external failure. We will see these four points in next videos. If you like this video, please share, subscribe, and comment also. Thank